हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ डू आई मेक माय वेजिटेबल मैगी। नाउ आज का वीडियो जो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मैंने कभी कोई कुकिंग वाला रेसिपी आपने चैनल पे शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ, और मैंने अभी रिसेंटली में वेजिटेबल मैगी बनाई थी। सो आई होप आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने इसमें छोटी छोटी क्लिप्स ऐड किए हैं बिकॉज मैं प्रॉपरली जो जैसे शेफ लोग शूट करते मैंने वैसे शूट नहीं किया है बिकॉज मेरा जो ट्राईपॉड है वो टूट गया है और अभी हम लॉकडाउन पीरियड में है, सो मैं अनदर ट्राईपॉड भी नहीं बाय कर सकती हूँ। सो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स शूट करके रखे हुए हैं और मैं उसी क्लिप में वॉइस ओवर कर लूँगी। सो हियर यू गो गाइस। ऑल राइट, सो मैगी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक टोमेटो, एक ग्रीन चिल्ली और एक अनियन लिया है। सो मैं टोमेटो एंड अनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हल्की सी गर्म होने के बाद मैं इसमें 1-1.5 टीस्पून का ऑयल ऐड करूँगी। नाउ ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिल्लीज और अच्छे से आपको इसे पकाना है। नाउ मेरी जो मैगी होगी वो स्पाइसी होगी, सो अगर आपको ग्रीन चिलीज ऐड नहीं करनी है सो आप सीधा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ग्रीन चिलीज काफ़ी अच्छी लगती है मैगी में। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर ली है। 30 सेकेंड्स लगेंगे इसे पकने में। नाउ अब मैं ऐड करूँगी टमाटो एंड अनियन। टमाटो एंड अनियन ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि टमाटो एंड अनियन कच्चे हैं सो आपको इसे अच्छे से पकाना है, गलाना है इसको। और टमाटो एंड अनियन पकने के लिए अराउंड 1-2 मिनट्स लगते हैं। सो मैं 1-2 मिनट्स तक अच्छे से इसे स्टर करती रहूँगी, अच्छे से इसे पकाऊँगी ताकि जो हमारे टमाटो एंड अनियन है वो चिपके ना। नाउ जो हमारे टमाटो एंड अनियन है वो हल्के से पक गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। सो यहाँ पे मैंने अराउंड 300-350 ml ऑफ वाटर ऐड किया है। ये 1.5 पैकेट मैगी के लिए है। और वाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी, मैगी मसाला ऐड करूँगी और 1-1.5 टीस्पून रेड चिलीज, जो रेड चिली पाउडर होता है वो मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी। नाउ इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 जो पैकेट है मैगी का वो मैं ऐड करूँगी और मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी। नाउ हमारी जो मैगी है वो पक गई है, बट इसमें हल्का सा और पानी है सो मैं इसे और थोड़ा पकाऊंगी। और यहाँ पे पकने के बाद ये जो सारा पानी है वो मैगी सोक कर लेगी। नाउ जब मैगी हल्की सी पक जाए तो मैंने इसमें ऐड किया है केचप। ये एक हॉट एंड स्वीट केचप है, ये मैगी का सॉस है। सो मैंने इसमें अराउंड 1 टीस्पून केचप ऐड कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड या मैगी इज़ रेडी। इसमें मैंने ऊपर से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लिए हैं, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा उसके बाद जो मैं बेल बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। एंड यस, आई शैल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।